नॉन स्मोकर्स लंग कैंसर है जो हमारी कंट्री में रिलेटिवली मोर कॉमन है कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे पोल्यूशन एक्सपोजर रिलेटिवली कम। टिपिकली जो लोग का पोल्यूशन एक्सपोजर ज़्यादा है उनका लंग कैंसर अराउंड का रिस्क एक नॉर्मल आदमी से कम्पेयर अराउंड 30-50% हायर है। तो पोल्यूशन से लंग कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, तो मिथ है या फैक्ट है? ये एब्सोल्युटली एक फैक्ट है। इनफैक्ट पोल्यूशन और कैंसर का रिस्क लास्ट फ्यू इयर्स में और भी ज्यादा साइंटिफिक रूप से एक्सप्लोर किया गया है। तो इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यदि हम देखें कि लंग कैंसर जो अमेरिका या यूरोप में होता है और लंग कैंसर जो हमारी कंट्री में होता है वो काफी डिफरेंट होता है। तो हमारी कंट्री में नॉन स्मोकर्स का लंग कैंसर ज्यादा कॉमन है और कॉमनली जिस तरह के जेनेटिक डिफेक्ट्स उन कैंसर्स में होते हैं वो सेम डिफेक्ट यूएस और यूरोप के कैंसर में कम होते हैं। तो इस चीज पे जब रिसर्च की गई है उसमें ये देखा गया है कि जो PM2.5 यानी जो पोल्यूशन में हवा में पार्टिकल्स होती है वो लंग में डिपॉजिट होकर स्पेशल तरह की म्यूटेशन कॉज करती है जिससे टिपिकल एक इंडियन स्टाइल ऑफ लंग कैंसर डेवलप होता है। इंडियन स्टाइल ऑफ लंग कैंसर यस, जो इंडिया और एशियन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। एंड जो लास्ट फ्यू ईयर्स में रिसर्च हुई है उसने ये शो किया है कि बहुत सारे कैंसर एक्चुअली पोल्यूशन की वजह से है। तो ये एक स्पेशल पैटर्न ऑफ लंग कैंसर है जो पोल्यूशन रिलेटेड नॉन स्मोकर्स लंग कैंसर है जो हमारी कंट्री में रिलेटिवली मोर कॉमन है कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे पोल्यूशन एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। तो मतलब जो लोग पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि उनको भी आगे चल करके लंग कैंसर का रिस्क तो होगा। एब्सोल्युटली सर, अब एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो पोल्यूशन का जो लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है एक दिन में, और AQI भी 1000 क्रॉस कर रहा है। पहले 300-400 पे सीवियर माना जाता था, बहुत ज़्यादा पुअर माना जाता था, अब 1000 तक चला जा रहा है, 1200 तक AQI क्रॉस हो रहा है। तो जो लोग पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं उन्हें कितने चांसेस है लंग कैंसर होने के और वो खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं? तो जो इस टॉपिक पर रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि टिपिकली जो लोग का पोल्यूशन एक्सपोजर ज़्यादा है उनका लंग कैंसर अराउंड का रिस्क एक नॉर्मल आदमी से कम्पेयर अराउंड 30-50% हायर है। पर इन स्टडीज़ में भी जो पोल्यूशन का लेवल चेक किया था किसी ने 1000 का AQI चेक नहीं किया है। जो स्टडीज हुई है वो 100 का AQI, 200 का AQI, 250 का AQI के लेवल पे हुई है। उतना था किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि 1000 किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमें डे टू डे हमें हमारे बच्चों को हमारी फैमिली को 1000-1500 का AQI सहन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह के एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं लंग कैंसर का रिस्क उससे भी कम्पेयर काफी हाई होगा। सर, अब बात करते हैं लंग कैंसर के स्टेजेस की, तो क्या क्या स्टेज, कितने स्टेज होते हैं और क्या हर स्टेज पर लक्षण अलग अलग होते हैं लंग कैंसर के? तो लंग कैंसर मैडम टिपिकली 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं क्लासिकली, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज का बेसिक मतलब ये है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। तो किसी भी कैंसर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि कैंसर का प्रकार या टाइप क्या है, सेकंड होता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है यानी स्टेज क्या है। स्टेज 1 टिपिकली एक छोटा सा ट्यूमर है जो सिर्फ लंग के अंदर है, आसपास नहीं फैला है। स्टेज 2 ऑनवर्ड्स या तो ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है या वो आसपास के ऑर्गन्स को टच करने लग जाता है या छाती के बीच में जो लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड ग्रंथियां होती है जो सबके लंग्स के बीच में लोकेटेड होती है। तो अगर कैंसर 1-2 लिम्फ नोड्स में उधर से फैल गया तो टिपिकली हम बोलते हैं स्टेज 2 है। स्टेज 3 उससे एडवांस्ड होता है जिसमें कैंसर का साइज और बड़ा है, आसपास के ब्लड वेसल को चकेट लिया या आसपास की हार्ट को चकेट लिया, लोकल ऑर्गन को चकेट लिया या लिम्फ नोड का नंबर ज्यादा है या दूसरी तरफ के नोड तक फैल गया है, उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। और यदि कैंसर डिस्टेंट एरिया में फैल गया जैसे बोन में, ब्रेन में, लिवर में, लंग में फैल गया तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो कौन से स्टेज पर ज्यादा जानलेवा हो जाता है लंग कैंसर? एज स्टेज इंक्रीजेस पेशेंट का लाइफ को रिस्क बढ़ता रहता है, क्योर का चांस कम होता रहता है और सर्वाइवल घटता रहता है। तो 4 इज द वर्स्ट फॉलोड बाय 3, 2, 1।